बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविकाओं के सांकेतिक हड़ताल आज चौथे दिन पर भी जारी है। आपको बता दें कि यह हड़ताल 31 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। ये हड़ताल सरकार के आंगनबाड़ी सेविकाओं को किए गए वादे को पूरा नहीं करने को लेकर किया गया है, जिसमें वर्ष 2017 में 54 दिन के हड़ताल के उपरांत हुए समझौते के आलोक में लंबित मांगों को तुरंत निष्पादन करने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही कुछ और भी मांगे हैं जो इस मांग पत्र में शामिल है, जिनमें कुछ प्रमुख मांग इस प्रकार है। सेविकाओं सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक न्यूनतम 18,000 मानदेय के रूप में दिया जाए। सेवानिवृत्त के बाद 5,000 पेंशन के रूप में दिया जाए। आनंद और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक जमुई जिला के जिला अध्यक्ष। आइए जानते हैं इनसे इनके हड़ताल के बारे में। आपका कब से कब तक हड़ताल है और ऐसा सुनने में आ रहा है ये सांकेतिक हड़ताल है? 31 अगस्त से 6 सितंबर तक मेरा यह सांकेतिक हड़ताल चलेगा। सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या है? आप क्या सरकार से मांग रखती हैं? सरकार से मेरा प्रमुख मांग यही है कि आप मुझे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। और 2017 में जो हम लोगों के साथ समझौता की थी कि आपको मैं 50% दूंगा तथा आप सबों का जो और भी हक अधिकार है गैर वित्तीय इसे भी दूंगा, लेकिन उस समझौता को उन्होंने वापस कर लिया। और वापस करने के कारण ही आज हम लोग यह कह रहे हैं कि आप मुझे लेटर निर्गत कराओ, तभी हम लोग कोई बात मानेंगे। यही कारण है मेरे हड़ताल करने का। तो आप अपने संघ के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं संघ के लोगों से यह कहना चाहती हूँ, मेरा संघ तो एटक बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक जो है, उसके बैनर तले तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। यह जो संयुक्त संघर्ष समिति है, उसके तहत समूचे बिहार की सेविका, जिसमें कि जमुई जिला की भी सेविका आती है, सारी सेविका अडिग है अपने हड़ताल पर। लेकिन कुछ संघ ऐसे हैं जो कि संगठन को तोड़ने के लिए बेकरार हैं और बेवजह का सेविका को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के बाद उसे हड़ताल नहीं करने का बार बार सलाह दे रहे हैं। बस मैं अपनी सेविका बहनों से यह कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे संघ से बचो, आप संगठन में मिल करके रहो, और जब तक कि हम लोग एक साथ मिल करके अपना हम अधिकार हक नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार मेरी हक को नहीं देगी और इसी तरह से बार बार समझौता करेगी और बार बार समझौता को तोड़ेगी। इसलिए बहन, तुम इस पर ध्यान दिया करो। आपका परिचय? मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक जमुई जिला की जिला अध्यक्ष अनीता अंशु बोल रही हूँ। धन्यवाद।